अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसबा और आप देख रहे हैं मिसबा लाइफस्टाइल। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस बेक पास्ता। चले बेक पास्ता बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 टेबलस्पून बनस्पति घी ले लेना। यहाँ पर मैंने 1/2 कप के बराबर प्याज चॉप की है, वो शामिल करेंगे। अब इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, 1/2 चम्मच भून लेना ताकि इसकी खुशबू भी आना शुरू हो जाए। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 किलो कीमा। ये मटन का कीमा है, आप चाहे बीफ का ले लें, आप चाहे चिकन का ले लें। अब इसको 2 से 3 मिनट तक भूनना ताकि इसका कलर व्हाइट हो जाए। देखें कीमे का कलर पिंक से वाइट हो गया। अब इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, ये शामिल करूंगी, 1 टीस्पून नमक, सॉल्ट जाएगा इसमें, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसमें 1/4 कप के बराबर पानी शामिल करूंगी। अब इसको ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकने देंगे। कीमा हमारा अच्छा सा गल गया। अब मैं इसमें डालूंगी 3 अदद बड़े टमाटर है जो मैंने इसको ब्लेंडर कर लिया है, ये डाल देंगे। टेबलस्पून टमाटर केचप, 6 सोया सॉस में डालूंगी 2 टेबलस्पून। अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये 2 कप के बराबर मैंने मैक्रोनी उबाली थी, ये इसमें शामिल करूंगी। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना। अब यहां कर दूंगी मैं चूल्हा बंद, हमारी ये मैक्रोनी तैयार है। अब मैं बनाऊंगी व्हाइट सॉस, मैंने फ्लेम ऑन किया है। इसमें मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून बटर, 1/2 टेबलस्पून मैदा शामिल करूंगी। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी आने शुरू हो जाए, अच्छा सा ये भूनना शुरू हो जाए। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आनी शुरू हो गई है, भूनना शुरू हो गया। अब इसमें डालेंगे, अब मैं इसमें 1 कप दूध शामिल करूंगी। हमने इसमें 2 कप दूध डालना है, 1 कप पहले मैंने शामिल किया, 1 कप बाद में।
अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून नमक, सॉल्ट जाएगा, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 कप दूध और जाएगा इसके अंदर, 2 चीज के स्लाइस जाएंगे, 1/2 टीस्पून हर्ब्स शामिल करूंगी, 1/2 टीस्पून। हमारी व्हाइट सॉस भी बिल्कुल तैयार है, हमने इसको इतना पतला रखना है बस, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद फिर और ठीक हो जाती है। इसका चूल्हा बंद कर देंगे। मैंने यहाँ पर एक डिश ले ली है, अब इसमें मैक्रोनी की एक तह लगा देंगे, हमने एक तह ही लगानी है। देखिए मैंने इसकी एक लेयर लगा ली है, अब जो व्हाइट सॉस है वो इसके ऊपर डाल देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी पिज्जा चीज 1/2 कप के बराबर, यहां पर मैंने एक पैकेट लेस चिप्स का लिया है, ये इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ी सी और चीज डाल देंगे। अब मैं इसको माइक्रोवेव में 10 मिनट के लिए बेक करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको 10 मिनट बेक कर ली है। देखिए हमारा जबरदस्त सा डिलीशियस बेक पास्ता तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।